हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 22। विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स फैक्टराइज एक्स माइनस टू वाई होल क्यूब प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड होल क्यूब प्लस थ्री जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। सो इस क्वेश्चन को बिना क्यूब निकाले ही फैक्टराइज करना, कैसे करेंगे? तो यहाँ देख कर ही आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। सो लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, ठीक है? सो यहाँ पे ए हमारे लिए क्या है, एक्स माइनस टू वाई। सो लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई है, बी इक्वल टू टू वाई माइनस थ्री जेड एंड सी इक्वल टू है थ्री जेड माइनस एक्स। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी को फाइंड कर लेते हैं। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया एक्स माइनस टू वाई, प्लस करेंगे टू वाई माइनस थ्री जेड को, अगेन प्लस करेंगे थ्री जेड माइनस में एक्स। नाउ पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो एक्स माइनस टू वाई प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस थ्री जेड माइनस में एक्स। अब यहाँ पे प्लस एक्स है, माइनस एक्स कैंसिल, माइनस टू वाई प्लस टू वाई कैंसिल, माइनस थ्री जेड प्लस थ्री जेड कैंसिल, तो इक्वल टू में क्या आ गया, जीरो। सो अगेन ये फार्मूला फर्स्ट हम लिख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस में सी एंड इसका इंटू है ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हमने फाइंड किया जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो एंड इंटू में ये वाला पार्ट। सो जीरो से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। सो इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है, अगेन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो, ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरह से डिटेल में भी आप जा सकते हो। अगेन इस पार्ट को लिख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू, अब जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आता, सो जीरो। क्लियर? जब ये इक्वेशन जीरो के इक्वल आया देन हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री ए बी सी कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस थ्री ए बी सी को इक्वल टू के बाद में ले आई हूँ, तो ये लेफ्ट से राइट आता है तो क्या बनेगा, प्लस। सो प्लस में थ्री ए बी सी। सो ए का क्यू, ए यानी कि एक्स माइनस टू वाई का क्यू, देन प्लस बी क्यू, बी के प्लेस में क्या लेंगे, टू वाई माइनस थ्री जेड का क्यू प्लस सी क्यू यानी कि थ्री जेड माइनस एक्स का क्यूब इक्वल टू थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू सी। सो ये हो जाएगा थ्री इंटू ए यानी कि एक्स माइनस टू वाई इंटू बी, दैट इज टू वाई माइनस थ्री जेड इंटू सी यानी कि थ्री जेड माइनस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया, थ्री इंटू एक्स माइनस टू वाई इंटू टू वाई माइनस थ्री जेड इंटू थ्री जेड माइनस एक्स। क्लियर?